हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं फिर एक ट्राइबल रेसिपी लेके आ रहा हूँ आप लोगों का सामने। वो होगा एक ड्राई फिश का करी। एग्जैक्टली करी नहीं होगा, ड्राई फिश का सूप होगा और उसमें होगा रोस्टेड पोर्क। सो फ्रेंड्स, कम ऑन, लेट्स सी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का रेसिपी, ड्राई फिश, पोटैटो, टोमेटो और आप बोल सकते हैं ढेर सारा ग्रीन चिल्लीज और ये थोड़ा पत्ता, मेजंगा पत्ता, ये थोड़ा फ्लेवर के लिए दे देगा। सो फ्रेंड्स, ये सारा का सारा एक ही साथ में हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जो कि एक ट्राइबल खाना है, ट्राइबल रेसिपी है। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ करके एक ही साथ में सबको बॉयल करूँगा, उसके बाद स्मैश कर लूँगा, उसका बाद इसको मैं ग्रेवी बनाऊँगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी, इसका प्रिपरेशन थोड़ा हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट भी करके देखेंगे। हम लोग का रेसिपी यहाँ बन रहा है फ्रेंड्स, देखिए। बिना ऑयल, बिना मसाला, जस्ट बॉयल। वाह वाह, ये तो एक शायरी हो गया फ्रेंड्स। बिना ऑयल, बिना मसाला बन गया बॉयल। अच्छा, सब फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए मेरा गंडगुल लड़का बाहर में बैठ के क्या कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसको मैं इसी ऐसे ही बॉयल करूँगा। जब अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाएगा, कुक हो जाएगा, सो मैं इसको स्मैश कर दूँगा, स्मैश करके ग्रेवी बनाऊँगा। हाय फ्रेंड्स, खाना रेडी है, लेकिन इसमें स्पेशल एक नया चीज़ फिर आ गया। देखिए, ये पोर्क, रोस्ट पोर्क हाई एंड प्लेन। आज का खाना एकदम प्लेन है और जो थोड़ा पहले हम लोग बनाया था सब्जी, ये है ड्राई फिश का सूप है। ये ट्राइबल खाना है, पूरा कंप्लीट ट्राइबल। लेट्स स्टार्ट। तो जनरली हम लोग इसी तरह से खाते हैं खाना ये, लेकिन बहुत स्पाइसी होता है, बहुत झाल होता है। उसके बाद कुछ मीट हम लोग ऐसा लेते हैं। ड्राई फिश का जो स्मेल है ना, स्पाइसी है लेकिन बहुत टेस्टी है। ड्राई फिश
स्पाइसी है, झाल हो गया। फ्रेंड्स एक बात बताना था आप लोग को, भूल गया मैं। ये जो काली मैं जब स्मैश कर रहा था ना, चिल्ली को भी स्मैश करने का समय में क्या हो गया, चिल्ली ब्रास्ट हो गया। ब्रास्ट मतलब देखिए, ये जब कुक होता है, चिल्ली जब कुक होता है, क्योंकि कुक सॉरी चिल्ली तो घुटा रहता है ना, तो उसको जब ऐसे स्मैश कर दिया था तो वहाँ से मतलब ब्रास्ट हो गया था वो, और उसका चिल्ली का मैंने वो अंदर से पानी मेरा आँख में रख दिया, और नॉट ओनली वन बोथ द आइस, दोनों आँख में मेरा वो उसका पानी का झाल पानी घुस गया। ओ माय गॉड, उस समय मेरा क्या हो गया था, मैं वीडियो उस समय शूट करने छोड़ दिया था। वीडियो शूट बंद करके मैं पूरा बाथरूम में जाके पानी मारा, पानी मारा, पानी मारने के बाद में अभी देखिए आँख भी शायद कहीं कहीं में लाल हो रहा है, ऐसा जला है माँ कसम यार। तो ऐसा वो इंसिडेंट हो गया था मेरा साथ, होता ही है कभी कभी ऐसे स्मैश करने का समय में, अगर वो चिल्ली अगर गुता होता है ना होल, स्मैश करने का समय में वो फट जाता है वो, और शायद मेरा ही गलती था, मैं केयरफुल नहीं था उस समय। अभी भी कभी कभी जलता है, तो फ्रेंड्स बस आज का मेरा वीडियो इतना ही था। ये जो सूप बनाया था ना मैंने, वो हम लोग बचपन से खा के आ रहा है, आज मैं खुद बना के खा रहा हूँ, बढ़िया है। सो फ्रेंड्स बाय बाय, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।